हेलो नमस्कार। आज की वीडियो में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं 15x60 फीट में यह मॉडर्न हाउस। इस वीडियो में हम आप सभी को 3D डिज़ाइन करके भी दिखाएंगे। यह इसका 2D प्लान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सारा कुछ हम इसका कंप्लीट वीडियो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। रूम का साइज़, बेडरूम का साइज़, टॉयलेट पार्किंग का साइज़ क्या क्या रहने वाला है, सारा कुछ हम एग्जैक्ट क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए इसी तरह के न्यू लेटेस्ट हाउस डिज़ाइन वीडियो लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका 2D प्लान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉलम कितने आने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक करके कॉलम्स को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये कॉलम एक्सटेंड हो जाएंगे और यहाँ पर कॉलम को काउंट कर सकते हैं कितने कॉलम लगने वाले हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं, हम सारी वॉल्स को एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक एक करके सारी वॉल्स को हम उठा देते हैं, तो उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये सारी वॉल्स हमारी एक एक करके हमने उठा दी है। अब चलिए हम इसके फाइनल लुक को लेकर आते हैं आप सभी के सामने। तो ये हमारा देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लुक हमारे सामने यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी कार पार्किंग हो जाएगी। ये कार पार्किंग का साइज़ हमने रखा हुआ है 13 फिट × 14 फिट में। तो 13 फिट इसकी लंबाई हो जाएगी, 14 फिट इसकी चौड़ाई हो जाएगी। इसी के साथ हमने अटैच किया हुआ है एक टॉयलेट, जिसमें आपके गेस्ट वगैरह आपके बाहर की ओर ही यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ हमने स्टेयर का डिज़ाइन किया हुआ है और आप इसमें 4 व्हीलर की पार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा गेस्ट हॉल, यहाँ पर आप मेहमानों को बिठा सकते हैं। इसका साइज़ हमने रखा हुआ है करीब में 12 फिट × 14 फिट, काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अपने सोफ़ा सेट को अरेंज कर सकते हैं और अपने आप TV का कैबिनेट वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम किचन की ओर। तो ये हमारी मॉड्यूलर किचन हो जाएगी, इसका साइज़ हमने रखा हुआ है 9 फिट × 14 फिट में। यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल लगाकर आप प्रॉपर तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। वेंटिलेशन के लिए हमने बाहर से विंडो दिया हुआ है, सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ने पर हमें एक गैलरी मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब में 4 फिट की हमें गैलरी मिलती है। उसके बाद जस्ट साइड में हमें मिलता है एक बड़ा सा बेडरूम, जिसका साइज़ हमने रखा हुआ है 9 फिट × 11 फिट। उसी के साथ हमने अटैच एक दिया हुआ है टॉयलेट, तो काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलता है। इस टॉयलेट का साइज़ हमने रखा हुआ है करीब में 4.5 फिट। उसके बाद यहाँ से हमने एंट्री रखी हुई है एक पीछे के बेडरूम की ओर, यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा बेडरूम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका साइज़ हमने रखा हुआ है 9 फिट × 12 फिट में। 9 फिट × 12 फिट में ये हमारा बेडरूम हो जाएगा। 9 फिट ये लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई इसकी 12 फिट ये हो जाएगी। इसी के साथ हमने अटैच रखा हुआ है एक टॉयलेट, टॉयलेट बाथरूम दोनों हमने अटैच रखा हुआ है। यहाँ पर आप शॉवर वगैरह लगाकर प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये 3D प्लान रेडी हो जाता है। और बाहर से हमने इस प्रकार से विंडो दिए हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 3D प्लान कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। तो आई होप ये प्लान आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। प्लान पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के लिए इसी तरह के लेटेस्ट 3D ग्राउंड फ्लोर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी को एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।